बिस्मर रहीम हलो फ़्रेंड्स वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे मैं हूँ उद्दान और आप देख रहे हैं अदन वाली फूड तो जी आज हमने बनाया बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा तो जी ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनता है ये इतना ज़बरदस्त बनता है कि इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है तो जी बगैटा में इसके लिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा तो जी सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पतीला लिया है उसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है तकरीबन दो कप के करीब दो से ढाई कप के करीब है ये ऑयल हमने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे तो जी ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पर ये प्याज काट के रखे तकरीबन छः से सात मीडियम साइज़ की प्याज़ थी ये हमने काट के इस तरह से इसमें शामिल कर दिए और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे तो जी प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन कर लेना है और गोल्डन करने के बाद हम सारे प्याजों को निकाल लेंगे तो देखें जी यहाँ पर प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं तो जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है तो वीडियो को आपने बग़ैर स्किप किए देखना है और इसी दौरान जरा आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें तो यहाँ पर देखें जी प्याज हमारे जो है अच्छे से गोल्डन हो गए हैं अब हमने यहाँ पर फ्लेम इसकी ऑफ कर दी है और ये सारे प्याजों को हम ऑयल में से निकाल लेंगे अच्छे तरीके से तो जी इसका कुकिंग प्रोसेस अभी भी जारी है तो इसीलिए हम हमने यहाँ पर इसको इतना ही गोल्डन किया है तो देखें जी यहाँ पर हमने सारे प्याज़ों को अच्छे से निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे कि ये जो बचा हुआ ऑयल है इसमें हम तो खड़े मसाले डालेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमने दो टुकड़े इसमें तेज़पात के शामिल किए हैं और दो हम इसमें बड़ी इलायची शामिल करेंगे और जी अब हम इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब ज़ीरा शामिल करेंगे और 10 से 15 हमने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है और एक टुकड़ा हमने यहाँ पर दालचीनी का शामिल कर दिया है इसमें और ये तमाम मसालों को हम अच्छे से एक से दो मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे तो जी यहाँ पर मैंने दो किलो चिकन लिया है ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से हम चिकन को भून लेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे यहाँ पर मैंने डेढ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है इसमें और एक टेबल स्पून हम इसमें लहसन पेस्ट शामिल करेंगे और एक टेबल स्पून हम इसमें अदरक पेस्ट शामिल करेंगे तो जी लहसन अदरक का पेस्ट मैंने एक एक टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया है भर के अब हम इस अदरक लहसन के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे तो जी यहाँ पर चिकन का पानी जो है वो हमने अच्छी तरीके से ड्राई करना है तो जी दूसरी तरफ यहाँ पर हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी इसको हम पीस लेंगे तो जी यहाँ पर हमने प्याज लिए हैं ब्राउन करके मिक्सी के जार में डाल के और थोड़े से हमने इसमें काजू शामिल कर दिए हैं और जी यहाँ पर मैंने दही ली है तकरीबन डेढ़ प्याले के करीब ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम पीस लेंगे इसका हम पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर देखें जी चिकन हमारा जो है वो अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे तो जी सबसे पहले यहाँ पर हमने एक टेबल स्पून हल्दी ली है डेढ़ टेबल स्पून हुआ धनिया लिया है एक टेबल स्पून यहाँ पर हमने गरम मसाला लिया है और डेढ़ टेबल स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दी है और एक टेबल स्पून के करीब हमने इसमें नॉर्मल वाली लाल मिर्च शामिल कर दी है तो जी अब हम तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे मसालों को हमने दरमिया आश में तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए भून लेना है अच्छे तरीके से और इसी दौरान जनाब अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है मोहब्बत होती है आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है तो जी अब यहाँ पर हमने जो एक पेस्ट बना के रखा था प्याज और दही का ये हम इसमें शामिल कर देंगे उस प्याज और दही वाले पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे और जी दही का पानी यहाँ पर हमने ड्राई कर लिया था दही का पानी ड्राई करने के बाद हमने यहाँ पर इसमें एक गिलास के करीब पानी लिया है ये हमने इसमें डाल दिया है ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए तो जी पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन दस मिनट के लिए तो यहाँ पर दस मिनट हो चुके हैं तो देखें जी माशाला बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है और इसका कलर भी देखें कितना प्यारा आया है तो जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जी अब हम इसमें खुशबू के लिए यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे अगर आपके पास जायफर जावित्री हो और लौंग हो और इलायची पाउडर आप सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें शामिल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ इलायची शामिल की है तो जी इससे कौरमे की खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है तो जी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और हमने इसको दम पे रख दिया तकरीबन दस मिनट के लिए तो माशाल्लाह देखें जी बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार हमारा चिकन कोरमा जो है वो बन के रेडी हो चुका है तो जी बहुत मज़ेदार बनता है आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के देखें इन आपको खा के मज़ा आ जाएगा तो जी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल रतनानारी फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ख़ास खास याद रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में